सतगुरु की शरणाई। यार हमेशा कहते रहा जी यार, अर्थात आइए आपका स्वागत है। प्रकाश पर्व पिछले बार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था। लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने प्रकाश पर्व की सफलता को देखा, प्रकाश पर्व के जुनून को देखा और बिहार की सभ्यता और संस्कृति को देखा। उसी को देखते हुए इस साल भी हम लोग प्रकाश पर्व का समापन समारोह मना रहे हैं। पीछे छुट्टी है, लगातार बैठक हो रही है, साइड विजिट्स हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रकाश पर्व की तैयारियां की समीक्षा करते हैं। उन्होंने कई बार साइट विजिट भी किया है, इंस्पेक्शन भी किया है और समय समय पर हमें गाइडेंस दिया है और राज्य सरकार इसके लिए काफ़ी बड़ी राशि भी खर्च कर। बंजर जमीन थी, पानी के अंदर रहने वाली जमीन थी। पिछले साल इसी जमीन पर लगभग 35,000 लोग लगभग 7 दिनों तक रहे थे और यहाँ पूरे इलाके में टेंट सिटी डेवलप की जा रही है। साथ ही बेसिक एमिनिटीज दी जा रही हैं, टॉयलेट्स, वाटर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, बेहतर रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और गुरुद्वारे में भी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है। कंगन घाट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ भी रहने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उस इलाके को और आकर्षक बनाया जा रहा है। जो हमारे कर्मी और पदाधिकारी रहेंगे उनको बेसिक पंजाबी भी सिखाई जाएगी ताकि वो लोग अतिथियों का और बेहतर सत्कार कर सके। प्रकाश पर्व एक हमारे लिए गौरव का विषय है। जब देश विदेश के सभी सैलानी यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं और बिहार के धरती पर आकर वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो मैं सभी लोगों को प्रकाश पर्व के समापन समारोह में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और बिहार में जो पर्यटन है उसका आनंद। प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से तैयारियाँ मनाया जा रहा है। दास प्रबंधक कमेटी तरफ आपको बेनती करना है कि आप बड़ी संख्या में शामिल होकर इस प्रकाश उत्सव को सफल बनाओ। बहन जी का खालसा। मेरे मना सतगुरु की शरणाई।